अखिलेश यादव के समर्थक। एक और अखिलेश यादव हैं जो लखीमपुर खीरी जान न जा पाने पर धरने पर बैठ गए, यानी वो गांधी के बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं। वहीं उनके समर्थक उनके ही सामने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं, यही नहीं वर्दी फाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल जब अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया तो उनके समर्थक उग्र हो गए, और यही नहीं वो सीधा पुलिस वालों पर टूट पड़े। हजरतगंज थाने पर तैनात अलिन सिंह भी उस दौरान ड्यूटी पर मौजूद थे, तो समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और वर्दी फाड़ने की कोशिश की। ये सब अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से देख रहे थे। जब उनकी निगाह इस पर पड़ी तो वो खुद सामने आए और कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों से अलग किया। यही नहीं अखिलेश की सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे उन्होंने भी पुलिस वालों को बचाया। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने अनिल से बात की। अनिल के मुताबिक, इंस्पेक्टर अनिल यादव के मुताबिक, भीड़भाड़ में यह नहीं पता चल रहा था कि कौन क्या कर रहा है। इस दौरान अखिलेश जी आगे बढ़ने को कह रहे थे लगातार, फिर कार्यकर्ताओं को अलग किया और अखिलेश जी आगे निकल गए। हालांकि वर्दी फटी नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की की गई और हाथापाई की गई। इस वीडियो के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यही है कि क्या हिंसा का जवाब हिंसा ही होगा। कैमरे के सामने मैं मौजूद हूं रजत सिंह, और कैमरे के पीछे हैं गर्वित। लखीमपुर खीरी से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहाँ सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है यहाँ सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।